नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया, स्वच्छता अभियान खेलने की जगह पर किया गया साफ, गणपति की मूर्तियों से सजे बाजार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिक्षक दिवस मनाया गया। घनश्याम सिंह आर्यन कन्या महाविद्यालय दुर्ग परिसर में शिक्षक दिवस समारंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन के द्वारा किया गया। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के द्वारा समस्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आमंत्रित तो मीडिया कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। गुरु के महत्व एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि LV वर्मा के द्वारा महाविद्यालय को भार से रूप में घोषणा की गई। आने वाले समय में शैक्षणिक भ्रमण के लिए छात्रों व शिक्षकों को बस सुविधाएं उनके द्वारा प्रदान की जाएंगी। महाविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग तो कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया गया कि जब ये शिक्षक के रूप में थे तो उनके जो शिष्य थे, जब ये राष्ट्रपति बनने के बाद उन शिष्यों में जिज्ञासा हुई कि चलो हम राष्ट्रपति महोदय से मिलें, क्योंकि हमें जो पढ़ाए हैं उनसे मिलना चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वच्छता अभियान चलाकर बच्चों की जगह की साफ की गई। स्वच्छता घरा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा नाड़ी वैद्य संरक्षण विजेंद्र देशमुख एवं प्रदेश अध्यक्ष नवकेतु क्रमांक हरदेलय के मार्गदर्शन में नॉर्थ गार्डन तालपुरी भिलाई में स्वच्छता अभियान चलाकर बच्चों के खेलने की जगह साफ की गई, जहां पर झूला, फिसल पट्टी तथा वहां पर हुई गंदगी और घास को साफ किया गया, जिससे जहरीले कीड़े मकोड़ों की संभावना थी। इसके कारण बच्चे यहाँ आते नहीं थे। उस जगह को स्वच्छ धरा की टीम एवं तालीपुर वासियों द्वारा साफ सफाई कर उस कचरे को स्वास्थ्य एवं डस्टबिन से डंपिंग किया गया। अब साफ सफाई होने के बच्चे दौरान यह बार फिसलना पट्टी झूले का आनंद ले सकते हैं। तत्पश्चात तालपुरी वसियों के साथ मिलकर 20 पौधों का भी वृक्षारोपण किया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गणपति की मूर्तियों से सजे बाजार। 7 सितंबर को पूरे देश में बप्पा विराजेंगे। दुर्गा में पिछले बप्पा के श्रद्धालु भक्तों में खास उत्साह देखा जा सकता है। तरह तरह की मूर्तियों से बाजार सजा हुआ है। दुर्गा हिंदी भवन के पास विक्रेता ने भारी संख्या में पंडाल लगाकर गणपति की मूर्तियां बेच रहे हैं। यहाँ पर गणेश उत्सव के लिए सजे मूर्ति बाजार में बाल गणेश की मूर्तियां हैं। डिपांड कॉफी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि जिले में ग्राम पंचायत धनौत में सबसे ज्यादा गणपति की मूर्तियां बनाई जाती है, जो कि दूसरे राज्य में भी भेजी जाती है, किंतु इस बार शहर में भारी संख्या में गणपति विक्रय की पंडाल लगाई गई। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा न्यूज चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त शायद दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज।